बस मरिम्स वरम वबरक़ सामीन हक न्यूज़ की खसूस नशरियात जमाल रमज़ान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाजरीन इक्राम अल्लाह रबालत क़ुरान करीम फ़ुरान हमीद में इरशाद फ़रमाता है व अबल वुश्रिकोब ही व बिलवादी एहसाना सदक़ अल्लाजीम व सद रसूल्नबीकरीमी अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और वालदेन के साथ एहसान करो वैसे इंसान सोचे तो ये बड़ी अहम सी बात लगती है कि अल्लाह इज़्ज़त ने अपनी तौहीद का बयान किया अपनी इबादत का बयान किया और मुदसन फिर वालदान के साथ एहसान करने का बयान फरमाया जब हम इसकी तरतीब को देखते हैं तो फिर हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह रब्बुल रब्ज़त की इबादत और उसकी तोहिद के माबाद जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने पसंद फरमाया है वो ये है कि बंदा अपने वालदान के साथ एहसान करे अदीसी मुबारक में भी वालदान के साथ उसने सलूक की तरफ जो है वो तवज्जो और तरगीब दिलाई गई है मतदद रवायात इस पर मिलती हैं रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी दोसख भी हैं चाहो तो इनकी खिदमत करके तुम जन्नत के हकदार बन जाओ और चाहो तो इनकी नाफरमानी करके तुम दोसख़ के हकदार बन जाओ इसलिए वालद को अल्लाह रबुल्ज़त ने बड़ा मुकाम और मरतबा अता किया है हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वालद के साथ हसन सलूक से पेश आएँ वालदे के क्या क्या हकूक़ हैंसन सलूक क्या है इससे क्या मुराद है इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदू किया है मुमताज़ मजहबी इसकालर जनाब हज़रत मौलाना पीर सैद फैसल हुसैन शाह साहब काजमी शाह साहब मैं आपका तहदिल से मशहूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपके साथ एक मुन्ने नाथ ख़ान बड़े ही प्यारे अंदाज़ में ये नात पढ़ते हैं जनाब जलालुद्दीन। मैं आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला शाह साहब गुफ्तु का आगाज़ करते हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की मतद्द आयात हमें वालदान के साथ हसन सलूक करने का दर्श देती हैं हुक्म मिलता है हमें इसी तरह हदीस मुबारका में भी इसकी मुता तरफ तरगीब बहुत ज़्यादा दिलाई गई है मैं चाहूँगा कि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे साम को बताइए कि वालदान के साथ हुसन सलूक करने की क्या अहमियत और फजीलत है बहुत शुक्रिया नामा कैसु साहब बसमिल्ल रहाम नहमुदनस रसोल करीम अम्माबाद कुरान मजीद फर्क़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह अल्लाब्ज़त फरमाता है वक़दा अबू का अल्लाह अल्लाब इयाबिल्दे हसाना कि रब ने यह फैसला कर दिया है उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी इबादत सिर्फ़ खुदा की करनी है और मैं वबिल वा वाले हसाना और वल्दे के साथ उसने शुरू करना है आगे ल फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना हिंद कल की बड़ा अहद हमा अव किला फ़ला तुल्ला हम उफ वला तनहर हम व्ला हम कलन करीमा अब हुसन सलूक किस हद तक करना है हमने माँ बाप का अदब किस हद तक करना है माँ बाप का एहतराम किस हद तक करना है अल्लाह हमें खुद बताया फरमाया इम्मा यबलु गन्ना कल की बारा जब वो बुढ़ापे को पहुँचे अवहद हम यह उन दोनों में से कोई एक पहुँच जाए मैं फ़ला तकुमा उफी वाला तन तुमने उनके आगे उफ तक भी नहीं करना अब देखें लमा साहब यहाँ तक लफ उफ़ कहाँ बोला जाता है मैं और आपस आपस में हम दोनों बेस कर रहे हैं किसी बात पे बेस लग रही है कोई बात है तो करते करते अगर कोई मैं ऐसी बात कर देता हूँ आप उफ अब मुझे यह भी सुनना था अल्ला तो अल्लाह फरमार ये जो उफ है ये उफ़ भी तुमने वल्देन की आगे नहीं करी यानी इंतहाई ये कम दर्जे की बात हमारे माशरे में समझी जाती है मुफ्सरीन ने लिखा है अगर उफ़ से कोई कम लफ्ज होता तो अल्लाह उसको लफ्ज़ को भी यहाँ पर ज़रूर जिक्र फरमाता इससे कम लफ्ज़ है ही नहीं देखिए इस्लाम के अंदर अल्लाह ने दो पोषण रखी एक हकूकल्ला और हकूक लिबात हकूकुल्ला तो जल्ला अल्लाह के हक आगे हकूकबाद में बंदों के हक में जो सबसे पहला हक है वह माँ बाप का है सुबहान अल्ला क्या बात है इसलिए अल्लाह ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है मुतसर साथ ही अल्लाह ने फरमाया बल्देन के साथ उसने सलू करना है इसका मतलब ये है रियासत बाद में है सियासत बाद में है बाद में है उस्ताद बाद में है पीर बाद में है माँ बाप का मकाम बेले है इसलिए इमामबिया सल्लाम ने सारी जिंदगी हजूर उम्म को दुआएं देते रहे लेकिन एक मकाम ऐसा आया जो माँ बाप का बेअब है जो माँ बाप का गुस्ताख है जो माँ बाप का नफरमान है कितनी सख्त वाहीद अदी से मुबारक के अंदर आज जो बिलखसूस हमारे माशरे के अंदर और मैं आपको आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम और इतने खूबसूरत मौजूद पर यह तरतीबी है और मौजूदा माशरे में आप तो आप इस शोबे के साथ आप रिलेटेड आपको पता है जो वालदेन के साथ जो आज जो किया जा रहा है बड़े बुरे हालात हैं हमारे मुल्क तो में इमाम बिलखसूस जो हमारे नौजवान हैं सुनने वाले उनसे में मुखातब हूँ राहि मा अनफू हूँ राफू हूँ राफो सरकार ने तीन दफा फरमाया उस शख्स की नाक खाक हो जाए उस शख्स की नाक खाक अलुदा हो जाए उस शख्स की नाक खाक हो जाए गए कौन है ऐसा बतब जिसके बारे में आप ये फरमा रहे हैं मन या हुज़ूर वो कौन है सब बख्त कौन ऐसा शख्स है, है? इमामबिया ने फरमाया सुनो मन अदरा कवाल हिंदल किबा रि अहद हमा ओ किला हम वो शख्स जिसने अपने वल्देन को बुढ़ापे की हालत में पाया या उन दोनों में से किसी एक बो पाया फरमाया सुल जन्ना वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका इतना बड़ा इतनी सख्त वहीद जो माँ बाप का नफरमान है और फिर इमामबिया सल फरमाया सुनो तुम चेक करना चाहते हो ना सुबह उठ के तुम देखना चाहते हो कि किब तुमसे राजी है नाराज़ है पर मैं मैं तुम्हें आसान सा तरीका बताता हूँ हजूर बताइए फिर मैं मन अर्द वाल ही फ़कद अर्दाल हूँ फिर मैं जिससे उसके वालदेन राजी हैं उससे खुदा भी राजी है खुदा का मुस्तफ़ा भी राजी है लेकिन आगे वाई देर वा मन अस खाता वाले ही जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं जो माँ बाप का बेअदब है गुस्ताख है फर मैं वन अस खत वाली दे ही फ़कत उससे मुस्तफ़ा भी नाराज़ है मुस्तफ़ा का खुदा भी नाराज़ है Allah आज हम यहाँ लाखों रुपये यहाँ से लगा के जाते हैं हज करने के लिए उम्र करने के लिए लेकिन कोई बंदा भी वापस आके ये गारंटी नहीं दे सकता अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया है अल्लाह ने उसके उम्र को कबूल कर लिया है और बेलखसूस जो हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं आज बाहर का ये जो कल्चर है उठा के हमारे ऊपर थोप दिया गया साल में एक बार बेटा फूल लेके जा रहा है माँ के पास आज माँ की मोहब्बत का दिन है जिस माँ ने तुझे जन्म दिया तेरी तरबियत की तेरी परवरश की तेरी खातर तकलीफ बर्दाश्त की क्या उसके लिए साल में मोहब्बत का एक दिन है बाहर का कल्चर कह रहा है कि आज साल में माँ की मोहब्बत का एक दिन है और मेरे हजूर फरमा रहे हैं देखें इमामबिया फरमा रहे हैं कि सुबह उठ बाप के सामने जा सुबह उठ माँ के सामने जा या यारसोल्ला करना क्या है पाऊँ तो माना तो बात की बात है दुआई लेके देना बात की बात है खिदमत करना बात की बात है खाना खिलाना बात की बात है कपड़ा पहनाना बात की बात है Allah Allah. अब माँ बाप का मुकाम देखें मरतबा देखें फरमाया सुबह उठ बाप के सामने जा सुबह उठ माँ के सामने जा यार रसुल्ला करना क्या है फरमाया बाप के चेहरे को मुस्कुरा के देख माँ के चेहरे को मुस्कुरा के देख हुजूर मिलेगा क्या फरमाया मेरे गुलाम मुस्कुरा के देखना तेरा काम है तुझे एक हज मकबूल का स्वाब अता करना मुझे मुस्तफ़ा के रब का काम हैजूर अगर कोई दो मरतबा देखे इमामबिया ने फरमाया अल्लाह उसे दो हज मकबूल का स्वाब अता फरमाएगा यार उसूल अगर कोई तीन मरतबा देखे अल्लाह के नबी ने फरमाया किन गिनती के चक्कर में पड़ गयी हो अगर कोई एक दिन में एक सौ मरतबा भी वालदेन के चेहरे को मुस्कुरा के देखेगा अल्लाह उससे सो हज मकबूल का स्वाब अता फरमाएगा हज मकबूल का स्वबा और फिर यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है इसलिए जो हमारे मौजूदा दौर में और माशरे के अंदर जो वल्देन के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है कई केस हमारे सामने आते हैं कोई माँ को मार रहा है कोई बाप का गरीबान पकड़ रहा है अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वो दुनिया के अंदर कामयाब हो जाए कबर में कामयाब हो जाए हशर में कामयाब हो जाए उसके रिस्क में बरकत हो उसके माल में बरकत हो उसकी उम्र में बरकत हो तो इमामबिया ने फिर वो वल्देन के साथ हुसने सलूक करे माँ बाप के साथ सिला रेमी करे इस सिला रहमी की वजह से अल्लाह उसकी माल के अंदर भी उसकी उम्र के अंदर भी बरकतें पैदा फ़रमा देगा यानी इस दौर की जो एक बड़ी परेशानी है आजकल के नौजवानों को बिलखसूस डिग्रियाँ पास होती हैं हुनर पास होता है काम नहीं होता मीशत तंग है तो इस्लाम ने उसका भी हल बता दिया क्या और आपकी बात, आप बात बिलखसूस आपने नुक़ा उठाया है ये सवाल और मेरी तो जो दुलाई है यहाँ तक हमें हदीस मुबारक के अंदर मिलता है कि बुला के माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है गारंटी दे रहे हैं हजू माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है अल्लाह क्या बात है इससे बड़ा मकाम उससे बड़ा मरतबा और उससे बड़ी शान क्या हो सकती है हजू ने फरमाया सुबह उठा जो बंदा इस हाल में सुबह करता है कि उससे उसकी माँ भी राजी है उससे उसका बाप भी राजी है और मैं शाम तक अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दो दरवाज़ों को खोल देता है लेकिन जो बंदा सुबह इस हाल में करता है कि उससे उसकी माँ भी दराज है उससे उसका बाप भी नाराज़ है पर मैं शाम तक अल्लाह ताला उसके लिए जहनम के दो दरवाजे खोल देता है अल्लाह मैं आप ही की इसी बात से एक बात मेरे जहन में आ गई गईबा हजूर जनाब हज़रत पीर से कासम मोड़वी रमत आप आपके मुत ही आता है आप अल्लाह के बहुत बड़े वली बुजुर्ग गुजरे हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के, के एक माई आपके पास है कि बुढ़िया आपके पास आई तो उसने अर्ज़ की हजूर मेरे बेटे के लिए दुआ करें आपने पर मैं बुढ़िया तू अपने बेटे के लिए दुआ कर मैं आमीन कहूँगा उसने कहा कि लोग दूर दूर से आते हैं कि पीर साहब से दुआ करवाएंगे और आप मुझे कहते हैं मैं तो हर वक्त उसके लिए दुआ करती हूँ घर में होती हूँ तो आपने फरमाया क्या तुझे नहीं पता कि वालदेन का अपनी औलाद के लिए दुआ करना ऐसा है कि जैसे कोई रब से चीज़ ले कर देना और मेरा दुआ करना ये रब से मांगना है फरमाया ले के देने में और मांगने में बड़ा फ़र्क है तेरी दुआ जो है वो अपने औलाद आसान अल्फाज में हम कहेंगे वालदेन दुआ मांगते नहीं है बल्कि दुआ देते हैं क्या पार? जैसे लेने और देने का फर्क है ऐसे वल्देन का और आम बंदी की दुआ में फर्क होता है आज भी देखें जहां हर चीज़ के अंदर हमें मिलावट नजर आती है अगर एक ही चीज अगर आपको खालिश नजर आ गई तो वो माँ बाप का प्यार है ये वायद ऐसा रिश्ता है जो ये चाहता है कि इनकी औलाद किसी मुकाम पर पहुंचे ये अपनी औलाद को किसी मकाम पर देखना चाहते हैं और माँ बाप की दुआ अमामा कैसु कुरैशी साहब माँ बाप ऐसा रिश्ता है आप याद रखें मैं और आप हमारे जो सामाइन हैं नाजरीन हैं देखने वाले ये तो कुछ चीज़ नहीं ना सारी ज़िंदगी हुजूर भी इस मोहब्बत को नहीं भूल पाए Allah. एक वो मकाम आया एक वो जगह आई जब क्योंकि बचपन से सरकार की जो वालदा का साया था वो सर से उठ गया था तो एक मकाम आया हजूर दिन मस्जिद नबी में दाखिल हुए खड़े होकर साहबा ने हजू का इस्तबाल किया तो मेरे आ कि आंखों से आंसू जारी हो गए एक साहबी आगे बड़े यारसलगत किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है दुख पहुंचाया है इमाम वो ने फरमाया नहीं मेरे साहबा लव दू वाली दे फिर मैं काश अगर आज मेरे वल्देन जिंदा होते अद हम या उन दोनों में से कोई एक जिंदा होता हजूर करते क्या ये बिलखसूस मैं ये कहता हूँ अगर ये हदीस से मुबारक इस एक हदीस को भी हम समझ लें सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे सारे रोले ख़त्म हो जाएंगे मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई बंदा कभी भी माँ बाप की गुस्ताही करेगा बेअदबी करेगा ना फरमानी करेगा फिर मैं काश अगर आज मेरे वालदे जिंदा होते या उन दोनों में से कोई एक जिंदा होता हु करते क्या, फर मैया मैं ईशा की नमाज़ पढ़ा रहा होता और क्याम की हालत में होता और उसके अंदर में सूर्य फातह की तिलावत कर रहा होता ज़ूर फिर गया होता फरमाया सामने दरवाजे से आके मेरी माँ मुझे आवाज़ देती है मेरे बेटे मोहम्मद सल असम फरमाया मैं नमाज छोड़ के दौड़ कर अपनी माँ की खिदमत के अंदर आगर हो जाता हूँ कितनी बड़ी बात कहती सहाविया यारसुल्ला मैं जहाद पर जाना चाहता हूँ सरकार ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है माँ बाप फरमायाजू ज़िंदा है अर्ज किया फरमाया तू माँ की खिदमत कर तू माँ की खिदमत करेगा अल्लाह तुझे जहाद का स्वाब बता फरमाया तो आज जिनके वल्दे जिंदा हैं कदर करें कदर करें इन श्ला माँ बाप के क़दमों से आप लिपट लिपट कर बैठ जाएँ अल्लाह आपको दुनिया में भी कमया फ़रमाएगा आख़रत में भी कमयाबीता फ़रमाएगा क़बर में भी अल्लाह आपको कमयाबी सुहान अल्लाह माशाला बड़ी प्यारी गुफ्तगु फरमा रहे हैं शाह साहब नादरी कलाम यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नाज्रिन क़राम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं ब्रेक पर जाने से पहले शाह साहब ने बड़ी मदल गुफगु फरमाई शाह साहब मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह आप देखते हैं कि लोग बड़े दूर दूर जाते हैं अपने जिनके मसाइल होते हैं मन्नतें मांगते हैं बड़े दूर दूर दरबारों पर जाते हैं अपनी परेशानियाँ और हाजतें जो हैं वो लोगों से बयान करते हैं और फिर वजाइफ़ लेते हैं बुज़ुर्गों से ओलिया अल्लाह से कि हमें कोई वजीफ़ा बताएँ तो मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले में जो वालदान की खिदमत है फी नफ से ही अल्लाह रब्ल्ज़त ने इसमें इतनी बरकतें रखी हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ और मसाइब दूर होते हैं जैसा कि ख़ुद नबी करीम रौफ़रम सल्ला वल्लमा ने हमें बताया तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से हमारे सामने इनको कुछ बताएँ माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और बहुत अच्छी तरफ आपने हमारी तवज्द तो दिलाई है देखें माँ बाप की दुआ कोई बच्चा है बूढ़ा है जवान है हर बंदा जनाब हजरत वैसे करनी और ताल आपकी से वो बंदा वाकिफ़ है यहाँ तक हमें रवायात के अंदर मिलता है कि इमाम वम्बिया जब मदीन शरीफ़ में होते थे तो सरकार कमीज़ के बटन मुबारक खोल के यमन की तरफ तो सरकार देखते थे Allah. तो साहबा पूछते थे हजूर क्या माजरा है फरमाया मुझे यमन से रहमान की खुशबू आती है तो क्या है फरमाया वहाँ मेरा एक गुलाम है अवेश तो आज की यार रसोल्ला अवेश कन से आता क्यों नहीं उससे हाँ मिलने के लिए अगर बिलाल हाविस से आ गया सुहेब रूम से आ गया सलमान फारिस से आ गया तो वो क्यों नहीं आ सकता कन् से तो फरमाया साहबा वहाँ उसकी एक माँ है बूढ़ी अम्मा है वो उसकी खिदमत में लगा है इस वजह से वो माँ को छोड़ के मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकता लेकिन यहाँ सही मुस्लिम के अंदर हमें ये लफ्स मिलते हैं खरीदो ताबीन ताबेन में सबसे बेहतरीन शख्स जनाब हजरत अवैसे करनी है लेकिन माँ बाप की खिदमत की वजह से माँ बाप का अदब माँ बाप का अदब करने की वजह से अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम दिया है बिलखसूस हमारे नाज़रीन के लिए जुमला बड़ा काबिल गजु ने फरमायावैस का ये मुकाम है मेरे ग़लामों अगर अवैस किसी बात पर कसम उठा ले अल्लाह उसकी कसम को फ़ौर पूरा फरमा देता है जहा जिस हस्ती के पास जनाब आजम जैसी हस्ती चल के जाए जिसके पास चल के जाए कि उनसे दुआ करवाएं वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करें इसका मतलब यह है, है हमें यहाँ से एक बात यह भी पता चलती है माँ बाप की खिदमत करने की वजह से बंदा मुस्तजाब मुस्तजाबात बन जाता है, है। क्या बात अल्लाह उस यार दुआ को कबूल फरमाता है हम पीरों के पास जाते हैं जाएं इसमें हमें कुछ नहीं हमें इसमें अरज आप जरूर जाए आप ओलमा के पास जाए लेकिन जिन हस्तियों का पहले आपके पास जन्नत आपकी आपके घर में मौजूद है आप उनसे दुआ किया आप ठाएं क्या सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद नहीं है माँ मा की दुआ का आप कमाल देखें ना असर देखें फरमाया हजरत हजूर ने फरमाया का उम्मतों में से अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस सही है सरकार ने फरमाया का उम्मतों में से एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत जुरेज उनका नाम था तो इन्होंने अपनी माँ से कहा माँ मुझे आप तुम तो अपना हक माफ़ कर दे मैं रब की इबादत करना चाहता हूँ मैंने कहा ठीक है ये एक शेर को छोड़ के दूसरे शेर में चले गए और एक दरख्त था लामा केसर साहब दराख्त के ऊपर इन्होंने रहने के लिए जगह बनाई हुई थी वहाँ ये अल्लाह की दिन रात इबादत करते थे Allah तो माँ को कुछ काम पड़ गया आप उनसे मिलने के लिए बेटे से तो जब आप गई तो आपने नीचे से आवाज़ लगाई यहाँ जुरैज है मेरे बेटे जुड़ेज तो जब आवाज़ लगाई तो आप ऊपर से जुड़े गया या रब भी व वसलाब अल्लाह इधर नीचे मेरी माँ आप कलाम कर सकते थे माँ नीचे पहला दिन गुजरा दूसरा दिन गुजरा तीसरा दिन गुजरा माँ ने कहा दिन से इसके मिलने के लिए आ रही हूं मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा यहाँ अल्लाह का वली बना बैठा है जब माँ का दिल टूटा ना तो कहा तुझे जुरेजे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक लोग तेरे ऊपर कोई गंदी तोमर ना लगा दे अभी माँ गार पलटी थी आपको पता है लोग जो वक्ती मोहब्बत करने वाले होते हैं वो कच्चे कानून के मालक होते हैं तो वहाँ उस इलाके में एक औरत थी जिसके पेट में बच्चा था जो हमला थी लोगों ने उसे बुलाया तो कहे कि तेरे पेट में जो बच्चा है ये जुरेज का है तू तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा अब पूरे इलाके के बंदे इकट्ठे हो गए कोई डंडा ठाके आ रहा है कोई पत्थर कोई क्या कहा नीचे उतर तू यहाँ अल्लाह का वली बना बैठा है और तेरी हरकत कैसी है तूने इस औरत के साथ ज्यादा की है उसने कहा क्या कह रहे हो मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया उसने कहा मुझे पांच मिनट आप दे दो मैं अपनी मां से मिल के आता हूँ देखे ना गई ना एक मिनट माँ बाप की नफरमानी की वजह से हालांकि वो अल्लाह की इबादत में इबादत में मसरूफ था इसलिए जो बंदा माँ बाप का न फरमाने ना इसका मतलब है ना उसकी इबादत कबूल होगी ना हज कबूल होगा ना जक़ात ना रोजा ना नमाज इसलिए कि माँ बाप नाराज है जब रब ही नाराज है तो फिर इबादत कैसे कबूल होगी तो अब देखें आप वापस पलटे घर में कहा माँ तूने जो कहा था वो सच हो गया है तो माँ ने पलट के कहा सच पता ना तू उस गुनाह के अंदर शामिल तो नहीं कहा ऐसी बात नहीं पर मैं जा अल्लाह बेहतर करेगा अल्लाह रहम करेगा आप पलटे जब वापस आए मजमा लगा हुआ है अब देखें माँ की दुआ का सर माँ की दुआ का कमाल देखें उन्होंने कहा बताओ औरत के साथ मैंने बदफेली की उसने कहा ये उन्होंने कहा इससे पूछो कहाँ मैंने इस औरत के साथ बदफेली की है अब ठाए बुखारी जी उन्होंने कहा जी वो फना जो दरख्त है उस दरख्त के नीचे इस बंदे ने मेरे साथ बदफेली की आदि फिर मैं चलो उस दरख्त के नीचे चलते हैं जब आप दरख्त के पास पहुंचे आपने दरख्त की टहनी को हिलाया और दरख्त से पूछा बता क्या मैंने इस औरत के साथ बदफेली की है इमाम बुखारी लिखते हैं दरख्त की हर हर टहनी से हर हर पत्ते से ही आवाज़ आ रही थी क्योंकि जुरेज बेगुनाह है इसने इस औरत के साथ बदफेली नहीं की, की दुआ का सर माँ की दुआ का सर देखे ना एक मिनट में वलायत भी गई सारे नमाजें भी गई लेकिन जब माँ बाप का फरमा बरदार बना माँ बाप से माफ़ी मांगी अल्लाह ने कैसे इतने बड़े इल्ज़ाम से बचा लिया और इतना नहीं एक कुतुब के अंदर यहां तक हमें कैसे साहब मेरे मिलती है कि उस वक्त वो उस बच्चे की विलादत भी हो गई थी जो पेट में जो बच्चा था आपने उस नाव पे उस बच्चे के नाव पे हाथ रख के उंगली रख के आपने उससे पूछा बताओ भाई तू किसका बेटा है क्या तू मेरा जुरेज का बेटा है बच्चा बोल के कह रहा है एक दिन का बच्चा वो कह रहा है मैं जुरेज जुरेज मेरा बाप नहीं है वो एक चरवा है, है।, है, है। माँ बाप की नफरमानी मशहूर हदी से हर बंदा जानता है के साहबी थे, देखें तो जब नजर का वक्त आया जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा आज इन दोस्तों के लिए हम महाँ बाप की नफरमानी कर रहे हैं महाँ बाप को झिटक रहे हैं माँ बाप को छोड़ रहे हैं आगे ऊंची आवाज़ से बोल रहे हैं अल्लाह ना करे नजा के बाद हमारे ऊपर अगर ये वक्त आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे उस वक्त तो रसूल मौजूद थे जब साहबा ने देखा कि हजरत अलकमा की ज़ुबान के ऊपर कलमा जारी नहीं हो रहा फ़ौरन पलटे भर गए मुस्तफ़ा में रसूलू ग़ुलाम तो है जाने वाला है लेकिन ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा जब सरकार आई तो महाम्बिया ने फरमाया क्या इसकी मां जिंदा है जाओ माँ से कहो अगर वो खुद आ सकती है खुद आ जाए नहीं तो मैं चल के उसके पास जाता हूँ जब साहबा गए तो कहा हुजूर आपको बुला रहे हैं फिर मैं ये कह सकता अल्लाह के नबी बुलाएं और मैं न जाऊँ सहारा लिया आ गए तो सरकार ने फिर मैं ये तेरा बेटा है क्या तू उसे माफ़ करेगी मैं कहसुल्लबे माफ़ नहीं करूँगा जमाने जाहरीत में मुझे इसने इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी आँखों की बेनाई चली गई थी मेरी आँख ज़ाय हो गई थी अब माँ माँ होती है ना ना ऐसा प्यार जमाने में हजूर ने फिर ऐसे उठाओ लकड़ियां इकट्ठी करो आग में डाल दो आप फरिश्ते भी देख रहे हैं कायनात का रब भी देख रहा है अब बरगा मुस्तफा में फैसला होना है तो जब माँ ने देखा ना कि आग के अंदर फरमाया ये मेरा बेटा है मैं आग के अंदर जलते हुए नहीं देख सकती फरमाया ये तो दुनिया की आग है जन्म की आग से तो कई गुना ज्यादा है जिनका यारसूदा मैं आपको और अल्लाह को गवाह बना कर कहती हूँ मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है आप ठाएँ अधारका क्या ये अल्फ़ाज नहीं है इधर माँ ने माफ़ किया उधर हजरत अलकमा की ज़ुबान के ऊपर फ़ौन कलमा जारी हो गया शाह साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात कही मैं चाहूँगा कि मुख्तर वक्त में आप हमारे सामीन को ये बताएँ जैसा कि आज हम देखते हैं वालदा के साथ अक्सर उलाक का ताल्लुक़ जो है वो अच्छा रहता है वालद जो है वो जमाना साज होता है वो ज़माने को देखता है ज़माने के साथ वो उसको डील करता है इस वजह से उसके लहजे में थोड़ी सी सख्ती और तलखी भी होती है तो अक्सर देखने में आता है ये जो जवा जवान ओलाद होती है जवान उम्र औलाद होती है उसका वालिद के साथ उनकी नहीं बनती है तो इसके मतलब हमारे सुनने वाले को बताइए सवाल और बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है देखें जहाँ हमारे माशरे के अंदर इसमें कोई शक नहीं है माँ का प्यार ज़्यादा होता है माँ के अंदर एक मोहब्बत ज़्यादा रखी गई है इसलिए साबी सभी यारसोल्ला सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक किसके साथ में उसने सलू करूँ हजू ने फरमाया अपनी माँ के साथ सरकार फिर किसके साथ सरकार ने फरमाया अपनी माँ के साथ या रसूल फिर किसके साथ फरमाया अपनी माँ के साथ हजूर फिर किसके साथ फरमाया अपने वालद के साथ लेकिन ये जो बात आपने की है देखें जहाँ ये कहा जाता है मावा ठंड या छाव तो हमारे जो काबिल ने उन्होंने बाप को सूरज के साथ तशबीर दी है ठीक है लेकिन सूरज की तपश जरूर होती है जो आप कहते हैं ना बाप गुस्सा करता है ये तपश जरूर होती है लेकिन ये सूरज आपको रोशनी भी देता है लेकिन जब सूरज गरूब हो जाए तो फिर अंधेरा होता है आज इनके वल्दे नहीं है देख लें फिर अंधेरा ही है लेकिन ये बाप जब सर पर इसका साया मौजूद होता है तो बेटे में ना गम होता है ना कुछ दुख होता है ना कोई तकलीफ़ होती है दिन रात वो मेहनत करके खुद वो कपड़ा नहीं पहनता नया लेकिन उसकी कोशिश होती है मेरा बेटा नया कपड़ा पहने खुद वो अच्छा खाना नहीं खाएगा लेकिन उसकी कोशिश होगी मेरा बेटा अच्छा खाना खाए खुद बेशक उसने अच्छी अलग स्कूल में ताली हासिल ना की हो लेकिन वो कोशिश करेगा चाहे मेरा बेटा है मेरी बेटी है वो आला से अलग स्कूल में तालीम हासिल करे चाहे उसके लिए वो फैक्ट्री में काम करता है मजदूरी करता है रेड़ी लगाता है एक्स्ट्रा चाहे उसके लिए उसको टाइम लगाना पड़े वो टाइम एक्स्ट्रा लगा वो अपने बच्चों की फीस के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम लगाता है मैंने आज अपनी बच्ची की फीस देनी है बच्ची की फीस देनी है ये दिन रात मेहनत करके माँ बाप जैसा प्यार आप ला ही नहीं सकते आप इस जैसा इनका नेम बदल हो ही नहीं सकता इसलिए साहब इंतहाई एह बात और मुझे इतनी प्यारी का वार्का बिलखसूस जो हमारे सामने है माँ बाप ऐसा रिश्ता है जो औलाद की खुशबू को भी पहचानते हैं और ये मैं बात अपनी तरफ सुनी हदीस मुबारक के अंदर अदबालमफ़रत के अंदर इमाम बुखारी इस हदीस को लेके हज़रत आजम के दौर में एक सबित हजरत उमैैया उनका नाम था बेटा उनका काब उसका नाम था तो वो नबीने थे बेटा उनका था जो आपने बाप की खिदमत किया करता था तो कहीं किसी इलाके में जंग हो रही थी हजरत उमर ने उनके बेटे को जंग में भेज दिया अब बाप का सारा केला बेटा था उनकी खिदमत करता था खाना खिलाता था बाप ने एक दिन गुजारा दूसरा दिन तीसरा दिन जब चौथा दिन है ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं खुद नबीना हूँ देख नहीं सकता बेटा था वो खिदमत करता था वो भी जंग में चला गया आपने कासल पर हरत फरूक आजम के पास मेरा बेटा था वो आपने जंग पर भेज दिया मेरे घर में कोई खिदमत करने वाला नहीं मैं नबीना हूँ हरत उम्र ने फ़ौर कासल भेजा जाऊँ उनके बेटे को बुला के लिया जब बेटा वापस आया तो आपने पूछा उससे तुम अपनी बाप की बाप की कैसे खिदमत करता है तेरा बाप तुझे बड़ा याद करता था उसने नजगी अमीर ममिन जैसे एक माओलाद को जैसे एक बेटे को अपने बाप की खिदमत करनी चाहिए मैं ऐसे ही करता हूँ हक अदा करता हूँ अब मेरे सामने कहा नजर बता मुझे वो उठे बर्तन लिया धोया बर्तन के उठनी का वहाँ से दूध धोया निकाला बर्तन में रखा एक प्याले में तो एक साइड पर रखा अब हजरत उमर ने साहबिर रसूल जो हजरत मैई उन्हें बताया नहीं आपका बेटा आगे है वो नबीन है उन्हें नहीं बताया और आपके बेटे काब को बताया बाप को बताना नहीं है मैं आ गया अब सहाबी रसूल नबीना एक साइड पर बैठे हैं। तब प्याला लेके दूध के का पास जाते हैं तो जब दूध का प्याला आपने अपने बाप को पेश किया आपने दूध पिया जब दूध पी लिया आपने हजरत उमर ने पूछा हो मैया बताएं ये दूध आपको किसने पिलाया है दूध आपको किसने पिलाया ये रिवायत आप जहन में रखें हजरत तो यूसुफ की कमीज का आप में नक्शा रखें क्या अभी कानान से अभी कमीज कहाँ से आ रही थी तो हजरत ने पहले कहा था मुझे की, की खुशबू आ रही है तो यहाँ खुशबू आती है तो जब आपने दूध पी लिया तो हजरत उम्र ने पूछा भैया बताए ना आपको दूध किसने पिलाया है अब आप नबीना थे आप जानते नरमाया मुझे नहीं पता दूध किसने पिलाया है लेकिन ये जो कप है दूध का ना इससे मुझे मेरे बेटे काफ की खुशबू आ रही है कि माँ बाप औलाद की खुशबू को भी पहचानते हैं भी तो माँ बाप जैसा रिश्ता माँ बाप जैसा रिश्ता और माँ बाप जैसी हस्ती इनका नयुलबदल कायनत तो में कोई नहीं है सामीन के लिए यही पैगाम है अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो माँ बाप के कदमों से लिपट कर बैठ जाएँ अल्लाह आपको इनशा दुनिया के अंदर हर मैदान में अल्लाह आपको कमयाबी माशा बहुत शुक्रिया शाह साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तु आपने फरमाई नाजरन कराम इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है नात का नात शरीफ पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छोटे नन्हे मुन्ने नात ख़ान जलालुद्दीन बड़ी प्यारी आवाज़ में ये नात पढ़ते हैं जलालुद्दीन नात पेश करते हैं So. so

खुशबू है दो आलम में तेरी है गुल चीदा इतहाई ख़ूबसूरत कलाम इंतः ख़ूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह आपने पेश किया अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त आपके क़़ में आपके शौक़ में मज़ीद बरकतें अदा फरमाएं नाजरीन के नाम इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है हर रोज़ की तरह आखिर में आज भी एक पैगाम और वो यही है कि वालदे जो हैं वो अल्लाह इज़्ज़त की नेमतों में से एक बड़ी नेमत हैं जिनको ये मजसर हों इनकी खिदमत करें इनकी खिदमत करके अपनी जन्नत की राह को हमवार कर लें इनकी नाफरमानी करके दोज़ख की राह को हमवार करने से गुरेज़ करें इसी में हम सब की जो है भलाई है इसी में इंसान की फ़लाह व बहबूद है अल्लाह इज़्ज़त के हुज़ूर ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कमा हक को हो इज़्ज़त और उनकी खिदमत करने की तोफ़ी का ता फरमाएँ इजाजत तीज के अल्लाफ़